बच्चों, आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, और वो चीज़ क्या है? वाइवा वॉइस, जिससे आपको बहुत डर लगता है सबसे ज़्यादा। इवन किसी को अगर आता भी है, सारा टॉपिक बहुत अच्छा होता है, कई बार हमने देखा है कि क्लास में टॉपर स्टूडेंट होता है, बट उसको वाइवा से बड़ा डर लगता है। वाइवा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है वाइवा में जिससे आपको डरने की ज़रूरत होती है। वाइवा हम लोग सिंपली जो टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, सिंपली आपने जो लैब मैनुअल तैयार किए पूरे साल उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए हाँ, हम ये कहेंगे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट अपना दिखाएं, तो कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया, सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट जेन्युइन रखेंगे। प्रोजेक्ट आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए, और अगर आपने उसको डाउनलोड किया है कहीं से या किसी और से लिया है, कॉपी किया है, तो भी उसमें ओरिजिनलिटी कैसे रहेगी? आप उसमें अपने डाटा डालोगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने जो भी प्रोजेक्ट दिया है आप उसकी कॉपी कर रहे हो, तो सेम टू सेम कॉपी नहीं कर लेनी है, उसमें आपको डाटा कुछ रखने हैं। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो केवल ये इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये डाटा बेसिस पे होता है, एनालिटिकल होता है। तो आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस ज़रूर डालनी है। आप किसी नियर बाय हॉस्पिटल में गए, वहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया, या डाटा न्यूज़पेपर से आपने कलेक्ट किया, या डाटा को इंटरनेट से कलेक्ट किया, बट उसमें कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर होनी चाहिए। तो कुछ जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद जो जो मेन टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, डाटा उससे देखने चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब ये वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको अब वाइवा से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हम आपको दो तीन जो बहुत ही कॉमन है प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट, उनके बारे में बताते हैं। हमने देखा ज़्यादातर स्कूल में बच्चे जो हैं एड्स पे बना लेते हैं, या कैंसर पे बना लेते हैं, या ड्रग एडिक्शन पे बना लेते हैं, कॉमन डिजीज़ वगैरह पे बना लेते हैं। तो हम आज केवल यही दो तीन टॉपिक्स पे कवर करेंगे कि कैसे इसमें से वाइवा पूछे जाते हैं, और आपकी लैब मैनुअल से कैसे वाइवा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया है? एड्स सर। एड्स फुल फॉर्म क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जरा एक्सप्लेन करिए इसको। सर एड्स का जो एक्वायर्ड है, ए फॉर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड स्टैंड फॉर कि सर ये इनेट नहीं है, या ये जेनेटिक नहीं है, ये पेरेंट्स बाय बर्थ नहीं है। यस हाँ। सर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में इसको एक्वायर्ड करता है, बाहर से आता है अपने शरीर में। इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब कि ये सर हमारे इम्यून सिस्टम पे वार करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को किसी भी वायरस के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। किसी वायरस के लिए ही, बैक्टीरिया के लिए नहीं? नहीं सर, वायरस के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन हो सकता है कोई भी सिंपल डिजीज भी हो सकता है बैक्टीरिया। इम्यूनो डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, और सिंड्रोम सर, सिंड्रोम का मतलब होता है सर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब भी कोई पर्सन एड्स से इन्फेक्टेड होता है तो लेटरल स्टेज में उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स अकर होने लगते हैं, जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना है इसमें, ये ऊपर की तरफ ये क्या है? ये सर ऊपर की तरफ यहाँ पे होते हैं डबल प्रोटीन के होते हैं सर, बाई प्रोटीन होता है, बाई लिपिड लेयर, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। यस सर। ठीक है, कौन से वायरस से होता है ये? रेट्रो वायरस सर, एचआईवी। एचआईवी वायरस। नाम क्या है फुल फॉर्म इसका? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक ठीक, रेट्रो वायरस होता है ना ये? रेट्रो का क्या मतलब हुआ? रेट्रो वायरस होते हैं सर जो सेंट्रल डोगमा की यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं। ये अच्छा। अपना आरएनए से डीएनए बनाते हैं, वजह डीएनए से आरएनए बनाने के, मतलब ये आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। रेट्रो, देखिए जब भी कोई वर्ड आता है तो उस वर्ड से रिलेटेड ही आपको बताना है, रेट्रो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब सेंट्रल डोगमा एक नया वर्ड आपने लिया है, तो बताइए सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा होता है सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये एक बेसिस है, जिसमें बताया गया है कि फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डीएनए से आरएनए और फर्दर आरएनए से प्रोटीन होता है। डीएनए से आरएनए कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और रादर जो हमारा आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। yes. अच्छा, जिन वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या वो सारे के सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं? सारे वो रेट्रोवायरस ग्रुप के होते हैं? सर सॉरी सर, नहीं मालूम। सारे नहीं होते हैं, जैसे कई वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन कई ऐसे भी वायरस होते हैं जो डायरेक्टली आरएनए से एमआरएनए बनाते हैं, है ना, वो रेट्रोवायरस ग्रुप के नहीं होते हैं। ठीक है,
इसकी एचआईवी एड्स की, अच्छा हाँ ये बताइए, कोई पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है और उसको एड्स है, ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि इसको एड्स है या ये एचआईवी पॉजिटिव, क्या दोनों बातों में कुछ फ़र्क है, डिफरेंसेस है या सेम है? फ़र्क है सर, एक जो पर्सन सर एचआईवी पॉजिटिव है नेसेसरली नहीं है कि उसको एड्स भी हो। इंडिया में अगर एक डाटा के तहत देखा जाए तो 5 मिलियन पीपल अभी भी एचआईवी पॉजिटिव हैं, लेकिन सबको एड्स नहीं है। हो सकता है कि कोई आदमी इन्फेक्टेड हो लेकिन उसके अंदर अभी एड्स के सिम्टम्स अकर नहीं हुए। अच्छा, जिन जब सिम्टम्स अकर हो जाते हैं तो वो एड्स है। यस सर। और जब तक सिम्टम्स नहीं है तब तक वो एचआईवी पॉजिटिव है। यस सर। ठीक है, सिम्टम्स क्या है एचआईवी के? सिम्टम्स सर, एचआईवी के सिम्टम्स सर इनिशियल स्टेज में तो बहुत ही सिंपल लगते हैं, लगता है कॉमन फ्लू हुआ है। उसमें आपको जॉइंट्स में पेन होंगे, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, उसके बाद फिर आपको डायरिया होगा, उसके बाद रैशेस, रेड रैशेस पड़ जाते हैं चेहरे पे, यही सब छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जिसे इसी के कारण एड्स मतलब डायग्नोस करने में मुश्किल होती है। ठीक ठीक। और एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद कितने समय बाद उसको एड्स हो सकता है? सर इसका कोई लिमिट टाइम तो नहीं है लेकिन सालों लग सकते हैं सर। अच्छा। यस सर। क्या कहते हैं उसको? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? अप्रॉक्स 10 ईयर्स। 5 से 10 साल 12 साल लग जाते हैं, यानी 5-7 साल पहले आता है ये वायरस, उसके बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है और फिर 5 साल बाद सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है। एचआईवी फैक्ट्री किसे कहते हैं? एचआईवी फैक्ट्री सर हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। सेल्स के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं? अगर या सेल्स ही होती हैं एक डिफरेंट टाइप की? यस सर, WBC होते हैं। हाँ? मैक्रोफेजेस। हाँ, मैक्रोफेजेस सेल्स ही होती हैं, उन्हीं सेल्स में ये बनता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है। एलिजा टेस्ट आपने लिखा है, क्या होता है एलिजा? एलिजा का फुल फॉर्म बताइए पहले। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉर्मेंट, ऐसे। यस सर, ये एक टेस्ट है जो एचआईवी को पता करने के लिए किया जाता है। ये एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन पे बेस्ड। वेरी गुड वेरी गुड। एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट, है ना? ऐसे, ऐसे का क्या मतलब होता है? नॉट श्योर सर। ऐसे प्रोसेस होती हैं जो मतलब सीरीज के साथ प्रोसेस चली आ रही हैं, उनको ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो इसमें भी जब हम एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ टेस्ट कराते हैं ना, तो सीरीज के साथ रिएक्शंस होती हैं, उसी को ऐसे कहते हैं। ठीक है। डायग्नोस करने के लिए क्या क्या करेंगे इसको? डायग्नोस करने के लिए एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट हो गया, और भी किसी तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? सर डायग्नोस करने का तो एलिजा ही हम पढ़ें, बाकी का तो आइडिया नहीं। ठीक ठीक ठीक। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट है भी सर? जनरली तो सर एचआईवी के लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इसका ट्रीटमेंट तो कोई 100% एफिशिएंट है नहीं, फिर भी एक होता है थेरेपी जिसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो भी लेकिन एफिशिएंट नहीं है सर। उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कम किया जाता है, मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसी प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाता है, जिससे ये वायरस जो है हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव जैसा रहता है और ग्रोथ नहीं कर पाता है सही से, बस यही करते हैं। ठीक है। कोई मेडिसिन वगैरह है इसके लिए? आपने किसी मेडिसिन का नाम लिखा है इधर? मेडिसिन? मेडिसिन तो सर इसके सिम्टम को सप्रेस कर सकता है लेकिन वायरस को ख़त्म नहीं कर सकता। एजाइडोवुडिन है, ये कुछ मेडिसिन है, ये भी रेट्रोवायरल ग्रुप की है ना, मतलब एंटी रेट्रोवायरल ग्रुप की जो यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। ओके ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बता दिया कि उनके वाइवा कैसे पूछे जा सकते हैं और लैब मैनुअल से वाइवा कैसे पूछे जाएंगे। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बस जो चीज़ें मैंने बताई आपको ध्यान रखने वाली वो यही है कि आपका प्रोजेक्ट जेन्युइन होना चाहिए, आपको उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके जाना चाहिए, और जो पॉइंट्स हमको दिखाई देते हैं जैसे जो डायग्राम आपने उसमें यूज़ किया है उस डायग्राम से रिलेटेड आप क्वेश्चंस तैयार कर लोगे, जो हेडिंग्स आपने दिए उन हेडिंग्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस तैयार कर लोगे, और जो उससे रिलेटेड मतलब और भी कुछ जो भी आप आंसर दे रहे हो उस आंसर से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। जैसे आपने बताया कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, तो हम वहाँ पर पूछ लेंगे एस्से क्या होता है भाई, एंजाइम लिंक क्या होता है, या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है तो एक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट मतलब आपके क्वेश्चन से भी एक कुछ नए क्वेश्चंस
जनरेट होते हैं, आपके आंसर से भी कुछ नए क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, और जो चीज़ें आपको आए वही आप बताओगे, जो नहीं आएंगी सिंपली आप डिनाई कर दोगे, सॉरी सर नहीं आता है हमें, ठीक है। और ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बताने की या उलझने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू।